तो अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताइए और अपनी कंपनी के बारे में बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इकराम हैदर है और हमारी कंपनी गार्डन मिर्ची है, जिसमें हम बेसिकली सॉइललेस कल्चर पे वर्क कर रहे हैं, सॉइललेस गार्डनिंग पे। बिकॉज अभी अर्बन गार्डनिंग बहुत ही ज़्यादा क्रेज बूम पे है, और जिसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रेडियंट है वो है कोकोपीट। तो हमारा जो मेन वर्क है कोकोपोनिक्स पे है। जी हाँ, कोकोपोनिक्स। कोकोपोनिक्स क्या है? वी आर डूइंग एवरीथिंग, ऑल वेजिटेबल्स जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे कोकोपोनिक्स का कंसेप्ट, जो कि लोवेस्ट कॉस्ट सोल्यूशन है इन सॉइललेस टेरेस गार्डनिंग। ओके, जिसमें क्या है, बहुत ही ईजी है, आपको कोई मेंटेनेंस नहीं करना है, बस सीड लगाना है, उसका पेस्ट मैनेजमेंट करना है, हार्वेस्ट करना है, दैट्स इट। और दूसरा हमारा ये टेक्नोलॉजी है वो रीयूजेबल है। मार्केट में जो आपको कोकोपीट मिलता है वो एक साल आप यूज़ कर सकते हो, राइट? एक साल, डेढ़ साल। हमने उसको फर्मेंट किया है जिससे आप उसको 4 से 5 साल यूज़ कर सकते हो विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, और उस रेट पे जो 50% कम है मार्केट रेट से। ठीक है, ओके। उसके बाद अब इसमें जो लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स हैं, नॉर्मली क्या है, हाइड्रोपोनिक्स में आप सिर्फ लीफी लगा सकते हो, लेकिन इसमें आप लीफी लगा सकते हो, बीन्स, ब्रोकली, जुकिनी, एक्जॉटिक क्रॉप्स, टोमेटो, कैप्सिकम, या जो भी आप वेजिटेबल्स है आप जो सॉइल में लग सकती है वो कोकोपीट में, विद बेटर ग्रोथ एंड हायर यील्ड। तो अच्छा, मैं आपसे, मेरा एक सवाल ये होगा कि क्या साइजेस में फर्क आता है मिट्टी में यूं लगाना और एक कोकोपीट में लगाना? प्लांट ग्रोथ, हाँ, प्लांट ग्रोथ, या प्लांट ग्रोथ नहीं, फ्रूट ग्रोथ। ओके, प्लांट ग्रोथ एज वेल एज फ्रूट ग्रोथ, और उसका जो प्लांट का विगर होता है वो कोकोपीट में बहुत ही अच्छा आता है। मींस हमने रिसर्च से, हमारे पास रिसर्च स्टडीज है जिसमें ये हमने देखा है कि उसकी यील्ड 25% ज़्यादा आ रही है। तो लेट से अगर आपका टोमेटो 10 kg दे रहा है सॉइल में, तो हमारे में 12.5 kg देगा। हाँ, एक प्लांट से, एक प्लांट से। ओके, और ये रिसर्च में ऑलरेडी हमने एस्टैब्लिश कर दिया है। हमने सॉइल के स्टडी किया था और कोकोपीट से किया था और हाइड्रोपोनिक्स से, जिसमें हमारा जो कोकोपीट है वो 25% यील्ड ज़्यादा दे रहा है, और लीफी में तो अप टू 30-40% चला जा रहा है। ये आप देखिए, ये मिलता है आपको मार्केट में कोकोपीट, जो कि बहुत ही लाइट होता है, इसमें बहुत सारे अडल्ट्रेशन होता है, कंटामिनेशन होता है। बिल्कुल, ये बात मैं पूछने वाला था। तो और ये सही से फर्मेंट नहीं है, मैच्योर नहीं है, स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कोको प्लांट ग्रोथ में, बहुत ज़्यादा प्लांट डाई होने लगे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और एक तो सबसे जरूरी है कि जो रूट होता है ना वो स्टेबल नहीं रहता है इसमें, वो आप थोड़ा सा हिलाओ। प्लीज इधर इधर आ जाइए। एग्जैक्टली, हमने ये एड्रेस किया है, ये आपके कमर्शियल कोकोपीट है कि रूट पूरा इसमें डिसलॉज हो जा रहा है कोकोपीट। बिल्कुल, हाँ। ये और ये हमारा कोकोपीट देखिए फर्मेंटेड, इसमें रूट ग्रोथ आप देख रहे हैं। हाँ। ये पूरा इसने, क्योंकि इसमें माइक्रोब्स हैं हमारे कोकोपीट में, तो और उसके बाद न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोबियल कंसोर्टियम, जिसकी वजह से रूट ग्रोथ बहुत ही अच्छा आता है। ठीक है, ओके। तो हमारा प्रोसेस ही डिफरेंट है। ये मार्केट में जो आप कोकोपीट मिलता है वो ऐसे बनता है, पानी से उसको लीच करते हैं, जो आप कंटामिनेशन की बात कर रहे थे वो यहाँ से आता है, क्योंकि ओपन में प्रोड्यूस। हम क्या करते हैं, जो सेम ये जो पानी से लीच कर रहे हैं, लिग्निन और टैनिन होता है जो कोकोपीट में नहीं चाहिए हमें, प्लांट उससे नहीं सर्वाइव कर पाता, वो हम इंजाइम्स के थ्रू डिग्रेड करते हैं। ओके, तो ये एक बायो प्रोसेस है, रॉ कॉयरपिथ लिया, उसको इंजाइम्स के थ्रू डिग्रेड किया और ये फर्मेंटेड बन गया, बट स्टिल अभी न्यूट्रिएंट तो आया नहीं। तो हम न्यूट्रिएंट के लिए क्या करते हैं, माइक्रोबियल बायो फर्टिलाइजर इसमें डालते हैं, जो कि कंसोर्शिया होता है डिफरेंट माइक्रोब्स का। तो इसमें जरा सा भी केमिकल यूज नहीं होता, कुछ भी नहीं, पूरा माइक्रोबियल बायो फर्टिलाइजर है ये। ओके, बायो फर्टिलाइजर मतलब क्या हो गया? उसमें स्यूडोमोनास है, ट्राइकोडर्मा है, जितने भी आपको जो सॉइल में गुड माइक्रोब्स होते हैं वो कलेक्शन हमने इसमें डाला हुआ है, इस कोकोपीट में, जिसकी वजह से इनरिच हो गया और कोकोपीट स्टेबलाइज हो गया। आपने बोला ना स्टेबल नहीं है और ग्रोथ भी अच्छा नहीं आता, तो अब जो बना है वो फर्मेंटेड कोकोपीट। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि अब आप इसको नर्सरी में भी यूज कर सकते हो, टिश्यू कल्चर में यूज कर सकते हो, और सारे वेजिटेबल्स में, क्योंकि अब तक आपने सुना होगा कि कोकोपीट बस नर्सरी वाले ज्यादातर यूज करते हैं, वो मिट्टी में जब मिक्स करते हैं तब थोड़ा सा डाल लेते हैं कि मॉइस्चर बना हुआ रहे, करेक्ट, हम बस इसीलिए यूज करते हैं, या फिर हम अगर कोई प्लांट को मतलब ये करना चाह रहे हैं, न्यू सीड्स लगाना चाहते हैं, तब हम यूज कर लेते हैं, नहीं तो उसके अलावा तो शायद ही कोई यूज कर रहा है इसे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ये जो आपने बोला, ये सारी प्रॉब्लम हमने एड्रेस कर दी इस फॉर्मेटेड कोकोपीट से। अब आप इसमें वेजिटेबल क्रॉप्स भी कल्टीवेट कर सकते हो, और इसकी लाइफ एक साल जहाँ नॉर्मल कोकोपीट होती है, हमने इसको 4 से 5 साल एक्सटेंड कर दी। अब आप बोलोगे कि 4 से 5 साल कुछ तो डालना होगा ना, क्योंकि नॉर्मली क्या है, लोग कोको वर्मी कंपोस्ट डालते हैं और अलग अलग मैन्यूज डालते हैं, बट हमने कहा कि नहीं, इसको और लो कॉस्ट करते हैं। तो क्या किया, कोकोपीट में हमने फर्मेंट कर दिया, और साथ में एक सॉइललेस सोल्यूशन लाया न्यूट्रिएंट्स का, जो कि सिर्फ कोकोपीट के लिए है। ओके, तो ये है वो सोल्यूशन। इसमें है मैक्रो न्यूट्रिएंट, इसमें है माइक्रो पार्ट ए एंड बी, जो कि इंडिया में पहली बार ऐसा न्यूट्रिएंट है जो सिर्फ कोकोपीट के लिए बना है। ओके, तो ये कोकोपीट के लिए ही बना है, इसमें मैक्रो भी है माइक्रो भी है। वाटर के साथ बस 5 ml आपको मिक्स करना है, वंस इन अ वीक। ओके, ओके।
तो ये आपके सारे न्यूट्रिएंट्स उसको सप्लाई कर देगा जो एक प्लांट को चाहिए होता है। एक में सवाल होगी, या हर क्लाइमेट के लिए ये ठीक रहेगा या फिर सिर्फ बैंगलोर के लिए अगर आपने किया एक्सपेरिमेंट? हाँ, और मुंबई वाले करना चाहे दिल्ली वाले करना चाहे तो इसमें क्या रहेगा सक्सेस रेट? अच्छा, वैलिड क्वेश्चन है। ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये हमने क्लाइमेट के लिए नहीं बनाया, ये हमने कोकोपीट के लिए बनाया। ओके, मेरा सवाल एज अ जनरल है कि हाँ, वो कोकोपीट आपका कितना सक्सेसफुल रहेगा ओवरऑल? ओके, तो ये जो कोकोपीट की आप बात कर रहे हैं ये एक्सटेंसिवली बहुत हर जगह हर रीजन में फॉलो किया जा रहा है। कोकोपीट तो आप नॉर्मली लगा रहे हैं, ओके, ये वाला कोकोपीट क्या है, इसमें हमने इनरिच कर दिया है बस। ओके, तो ये आप इंडिया के किसी भी पार्ट में लगा लोगे, क्लाइमेट का इसका कोई असर नहीं होगा और इसका इफेक्टिव वैसा ही रहेगा जैसा बैंगलोर के कंडीशन, साउथ के कंडीशन कहीं पे भी है। ओके, आप कोकोपीट देख रहे हैं क्वालिटी, जस्ट इसको फील करिए, ये वाला और ये फर्मेंटेड कोकोपीट, कलर का भी डिफरेंस है और क्योंकि ये न्यूट्रिएंट डेंस है तो ये फील कर पा रहा है। ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिससे आपको ये 4 से 5 साल इस कोकोपीट में आप इसको यूज कर सकते हो। मतलब आपका कॉस्ट ही ना, आपको उसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स करना है ना कोई भी मैन्योर मिक्स करना है। ओके, इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से आप कोई भी वेजिटेबल ग्रो कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि टोमेटो के लिए ज्यादा डालना है, इसके लिए कम डालना है, एक फिक्स कंसेंट्रेशन है 5 ml 6 ml, आप उसको पर लीटर वाटर वंस इन अ वीक यूज करिए। समझ लीजिए कि ये कोकोपीट आपने दिया मुझे, हाँ ठीक है, मैंने बस इसे हटा के इसमें मेरे को प्लांट लगा देना है, हाँ, या सीड से ग्रो करना है? अच्छा, अब नॉर्मली आप क्या करते हैं कि सीडलिंग लाते हैं? सीडलिंग लाता हूँ। सीडलिंग कोकोपीट का होता है, हाँ ठीक है, हाँ, आप उसको डालते हैं, हाँ, उसमें अलग अलग, लेकिन ये तो खुद कोकोपीट है, हाँ, तो ये इसका टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है कि हाँ, अब आपको डायरेक्ट सीड से भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट सीड से भी लगा, आपको सीडलिंग की जरूरत नहीं है, मतलब नर्सरी का रिक्वायरमेंट ही चला गया, आप डायरेक्ट सीड, क्योंकि आप कोकोपीट में सीडलिंग में कोकोपीट है, ये भी तो कोकोपीट ही है ना, तो अब आपको वो नहीं करना, बस सीड डालिए, पूरा पूरा प्लांट आ जाएगा और वैसे ही ग्रोथ आएगी जैसे ट्रांसप्लांट करने पाता है, तो वो आपको जो ऑपरेशन हाँ, है वो ये मिनिमाइज कर देता है। सीड डालिए, प्लांट निकल आएगा पूरा। और मॉइस्चर का ध्यान कैसे रखना है क्योंकि पानी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज्यादा रहता है, अगर कोकोपीट आप लगा दें क्योंकि वो फिर हेवी हो जाएगा तो रूट से खराब होगा। या इसमें इसकी जो क्वालिटी है, इसका पीएच ईसी सब बहुत ही स्टेबल है, हाँ, और इसका जो फॉर्म, इसकी एक और बेनिफिट क्या है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो अब आपको इसमें बहुत ज़्यादा डेली परेशान होने की जरूरत नहीं कि पानी ज़्यादा डाल, पानी का सूख गया या फिर वो बहुत ज़्यादा डालना है, ऑटोमेटिकली इसमें ड्रेनेज होल्स होते हैं, निकल जाएगा और मोस्ट ऑफ द पानी होल्ड करके रखेगा, तो जिससे आपको रेगुलर वाटरिंग नहीं करना। ओके, रेगुलर वाटरिंग नहीं करना और इसके ज्यादा वाटर से इसको फंगस प्रॉब्लम भी कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा। इस कोको, हाँ, कोकोपीट में आपको कोई भी फंगल प्रॉब्लम नहीं होगा, हाँ, और इवन हेवी रेन्स में, अभी कर्नाटका में आपने देखा बहुत हेवी रेन्स हुआ है जिसकी वजह से सारे सॉइल वाले तो चले गए, लेकिन कोकोपीट में क्या है कितना भी हेवी रेन्स हो ये सारा ड्रेन आउट हो जाएगा, जितना इसमें रिक्वायर्ड है उतना ही रहेगा कोकोपीट। ओके, प्रॉपर्टी इसकी ऐसी रहेगी क्योंकि एक्सेस वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो आपको नॉर्मल कल्टिवेशन में आती है। अच्छा इकराम जी, मैं अब ये जानना चाहूँगा कि प्राइसिंग क्या है, क्योंकि लग रहा है काफ़ी कॉस्टली ही होगा अगर है तो, कुछ और मिक्स करने ही करना है तो लगभग सारी चीज़ों की कॉस्टिंग तो इसमें ऐड हो जाएगी। यहाँ पे हाँ, एक स्टडीज है, हाँ ओके, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो, हाँ ओके, ये सॉइल में किया है, एक कोकोपीट में किया है, ठीक है, ओके, दीस आर द फ्यू वेजिटेबल्स जस्ट आई मेंशन कर रहा हूं, हाँ, जहाँ पे आप देख रहे हो पर हेड तक कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज है, 30% इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए टोमेटो में ले लीजिए पर हेक्टर 58 tons, ठीक है, ओके, बट इसमें आप देख रहे हो 87 tons पर हेक्टर, ठीक है, ओके, चिल्ली का देखिए आपको कंपेरेटिवली स्टडी मिल जाएगा, इसमें हम रिसर्च अराउंड 6 years कंटिन्यूसली फ्रॉम द सेम कोकोपीट, द फर्मेंटेड कोको। ये ईसी पूरा क्वालिटी है कि क्या क्या इसमें है, ईसी कितना है, पीएच कितना है, और ये लैब टेस्टेड है आईसीआर के लैब में। अच्छा जी, ऐसे लगा ICM जैसे, ठीक है, बढ़िया इंटरव्यू हो सकता है। और बता रहे, बता रहे, जैसा कि वो ब्रिक्स में आता था, हाँ, तो वो ये भी ब्रिक में ही आ रहा है? नहीं नहीं, यही हम बताना चाह रहे हैं, हाँ, कि दिस ब्रिक टेक्नोलॉजी जो अभी यूज हो रही कमर्शियली, वी हैव टू स्टॉप दिस, बिकॉज जो ब्रिक फॉर्मेशन में जो प्रोसेस होता है वो 200 डिग्री सेल्सियस उसको कंप्रेस किया जाता है, ठीक है, जब कोकोपीट को ऐसे कंप्रेस किया जाता है तो उसकी सारी लाइफ फॉर्म्स चली जाती हैं, उसमें ना माइक्रोब होता है ना उसमें कोई आपका न्यूट्रिएंट एलिमेंट, कुछ भी सर्वाइव नहीं करता है, ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि डायरेक्टली एज सच इसको यूज़ करना, अब क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है तो लोग कहते हैं कि उसमें वर्मी कंपोस्ट डालना है आपको क्योंकि सप्लीमेंट करना है, तो हम यही सॉल्व कर रहे हैं, इसमें माइक्रोब भी है, इसमें फर्मेंटेड भी है और न्यूट्रिएंट्स भी है, अब आपको इसमें ना वर्मी कंपोस्ट डालना है, कुछ भी नहीं डालना, एज सच इसको यूज़ करना है, ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, वंस इन अ वीक यूज़ करिए, बस सारा कॉस्ट इसमें कम करिए, ठीक है। प्राइसिंग की बात करें, ओके, प्राइसिंग ये वाला कोकोपीट आपको मार्केट में जो मिलता है ये यहाँ का 25 to 30 rupees दिल्ली का रेट है, ठीक है, 25 to 30, हम ये फर्मेंटेड वाला आपको
₹15 में दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक मसला आ जाता है तो आपको ₹20 में ये कोकोपीट पड़ेगा। तो ये जहाँ 25-30 आपको ये क्वालिटी का मिल रहा है, हम दिस फर्मेंटेड टेक्नोलॉजी जो आप 4 साल तक यूज़ कर सकते हो, 5 साल तक ₹20 के जी में सेल कर सकते हो, और आप ये दिल्ली में छतरपुर एरिया से ले सकते हैं। और कोई अगर बाय करना चाहेगा हाँ, लोकल इंडिया से, तो आपको कहाँ कॉन्टैक्ट करें? आप दिल्ली में हमारा एक पार्टनर है मिस्टर स्वर्ण मुथा, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वो आपको छतरपुर एरिया में डायरेक्ट आप वहाँ से उठा सकते हैं, वरना डिलीवरी है तो आप उनसे डिलीवरी पूरे ऑल ओवर दिल्ली आप कर सकते हैं। साउथ में हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो साउथ में हम बैंगलोर से ऑपरेट करते हैं, वही हमारा मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें कोकोपीट है, अदर सॉइलेस सॉल्यूशंस हैं, तो आप उसमें डायरेक्ट, जैसे नीम सोप है ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, तो हम नीम का क्या प्रॉब्लम है, लोग नीम ऑयल स्प्रे करते हैं, हमने क्या और उसका क्वालिटी क्या है मतलब आप बता नहीं सकते कि अच्छा है या ख़राब है, और बहुत ही कॉस्टली, ₹500 लीटर, हम ₹250 में नीम सोप हमने लाया है, जिसमें आपको क्या करना है, बस 10 ग्राम नीम सोप दिखा दूँ, ये आप नीम सोप देख रहे हैं, इसमें बस 10 ग्राम्स आपको मिक्स करना है वाटर में 1 लीटर, और आपको इतना पंजेंट है ये कि सारे इंसेक्ट्स जो है आपके भाग जाएंगे, तो जब इंसेक्ट ही नहीं आएगा तो पेस्ट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। तो ये नीम सोप का सोल्यूशन, और इस टेक्नोलॉजी और हमने जो डिस्प्ले किया है कोकोपोनिक्स का, इसकी वजह से अब तक हमें 2 अवार्ड्स मिल चुके हैं, एक है बैंगलोर में नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर ICR IHR में, वहाँ पर हमको अवार्ड मिला था, ये था 12 फेब में, ओके, और दूसरा अवार्ड अभी रिसेंटली हुआ है GK VK कृषि मेला साउथ में, तो 14 नवंबर, ये रिसेंट है इसी महीने का, तो ये हमें दूसरा अवार्ड मिला बैक टू बैक इनोवेटिव, और दोनों ही इनोवेटिव उसके कैटेगरी में मिले, बिकॉज हमने कॉस्ट कम किया है और लाइफ बढ़ाई है, ओके, और ग्रोथ बेटर दी है विद रिसर्च, ऐसा नहीं कि बस बोल रहे हैं, वी हैव द रिसर्च, बिकॉज हम खुद भी पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं हॉर्टिकल्चर में, लाइक मेरा खुद भी MSc मास्टर्स है वेजिटेबल साइंस में, ओके, सो ये इसमें है वेजिटेबल्स आप ग्रो कर सकते हो, ये जस्ट एज अ, क्योंकि हम बैंगलोर से आए हम फ्लाइट में नहीं ला सकते थे, तो हमने पर डिस्प्ले किया, और हम ग्रो बैग्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं, जी हाँ ग्रो बैग्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग, और इस इवेंट में हम यही अवेयरनेस करना चाहते हैं कि कोकोपोनिक्स के थ्रू लोवेस्ट कॉस्ट सोल्यूशन हम देना, वाई डोंट जो मार्केट में आपका ये ब्रिक्स है, वर्मी कंपोस्ट है, सारी चीज़ें, नो वी जस्ट वांट टू रिमूव ऑल दिस एंड ओनली कोकोपीट एंड मेक इट एज लो कॉस्ट एज पॉसिबल एंड मेक गार्डनिंग एज ईजी एज पॉसिबल, दिस इज वॉट वी केम फॉर, थैंक यू।